तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप के गाइस सभी लोग ठीक ही होंगे। तो सो गाइस, मैं आप सब लोगों की डिमांड पे लेके आ चुका हूँ आइस क्रीम की फुल स्टोरी। जो हमारा गेम है उसकी फुल स्टोरी मैं लेके आ चुका हूँ। लेकिन भाई, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि भाई, जो जो वीडियो को लाइक नहीं करता तो भाई लाइक कर दिया करो, क्योंकि भाई मैं देखता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देख लेते हैं लेकिन भाई उसको लाइक नहीं करते। तो भाई प्लीज़ यार, एक लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके एक लाइक से जो है मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और भाई काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है यार यूट्यूब की एक वीडियो बनाने में। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो भाई आपको पता होगा कि कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो सो गाइस यार, एक लाइक कर दिया करो यार, लाइक करना बिल्कुल फ्री है। तो यार चलो स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। हाँ भाई, स्टोरी शुरू करने से पहले मैं जो है कुछ आपको इस गेम के बारे में बातें बता देना चाहता हूँ। तो भाई, जो पहली बात है वो ये है कि भाई इस गेम का नाम जो है आइस क्रीम है, ना कि आइसक्रीम। भाई मेरे को कुछ लोग कमेंट में ही बोल रहे थे कि भाई आइसक्रीम की स्टोरी बताओ, तो भाई इस गेम का नाम आइस क्रीम है, ठीक है भाई, आइसक्रीम नहीं है। तो सो आपको पता लग गया होगा, नहीं पता होगा तो भाई जो दूसरी बात है वो ये है कि जो रोड है, यानी जो बच्चों को पकड़ता है जो आइसक्रीम बेचने वाला बंदा है, तो भाई कुछ लोग जो है उसको ज़ॉम्बी समझते हैं। तो भाई वो ज़ॉम्बी नहीं है, वो हमारी तुम्हारी तरह जो है एक नॉर्मल इंसान है, एक नॉर्मल बंदा है। तो भाई आपको पता चल चुका होगा, जो लोग इसको ज़ॉम्बी समझते थे कि एक नॉर्मल इंसान ही है। तो भाई चलो यार, स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। तो भाई स्टोरी शुरू होती है एक छोटे से शहर से। तो भाई एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था जिसकी उम्र 20 साल थी। तो भाई उसका आइसक्रीम की एक दुकान थी, यानी उसके आइसक्रीम का एक छोटा सा बिजनेस था, आप उसको दुकान बोल सकते हो। तो भाई वो वहाँ जो है आइसक्रीम बेचा करता था। तो भाई उसकी जो आइसक्रीम होती थी शहर में सबसे ज़्यादा बिकने वाली आइसक्रीम उसी लड़के की होती थी, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी जो है वो आइसक्रीम बेचा करता था। ऑलमोस्ट सारे शहर के बच्चे और लड़के, मतलब जितने भी लोग होते थे भाई, उससे ही आइसक्रीम को ख़रीदा करते थे। तो भाई उसके पास एक ऐसी रेसिपी थी जिससे भाई उसकी आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती थी, और उसकी आइसक्रीम को जो है लोग पसंद किया करते थे। तो भाई बाद में जो है उस लड़के की शादी हो जाती है, और बाद में जो है उसको एक लड़का भी होता है। तो भाई उस लड़के का नाम वो रोड रखता है। तो भाई काफ़ी टाइम तक सब कुछ ऐसे ही चलता है। तो भाई बाद में जो है, मतलब जो रोड होता है वो 9-10 साल का हो जाता है। तो भाई अब जो है वो अपने पापा के काम में हाथ बटाने लगता है, मतलब कभी कभी जो है अपने पापा की दुकान पर वो बैठ जाता है। मतलब जो रोड के पापा होते हैं उनको कभी कभी काम से बाहर जाना पड़ता है, तो वो दुकान पे बैठ जाता है। तो भाई सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल चल रहा था, उनका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था आइसक्रीम का। लेकिन भाई अब होता है क्या है, कुछ लोग जो है रोड के पापा से हेट करने लगते हैं, उससे नफरत करने लगते हैं। तो भाई नफरत कौन करता है, कुछ दूसरे आइसक्रीम की दुकान वाले होते हैं जिनकी आइसक्रीम नहीं बिक्री होती है सिर्फ रोड के पापा की आइसक्रीम की वजह से, क्योंकि भाई सब जो है रोड के पापा की आइसक्रीम को खाना पसंद करते हैं, सब जो है वहीं से आइसक्रीम को खरीदते हैं। तो भाई इससे जो है दूसरे जो आइसक्रीम वाले होते हैं उनकी दुकान नहीं चलती, उनसे कोई भी आइसक्रीम नहीं खरीदता है। तो भाई इस वजह से जो है, मतलब दूसरे आइसक्रीम वाले जो है रोड के पापा से बहुत ही ज़्यादा हेट करने लगते हैं। तो भाई बाद में होता क्या है, मतलब 4-5 आइसक्रीम बेचने वाले बंदे जो है रोड के पापा को किडनैप करके उसकी रेसिपी पूछने की प्लानिंग बनाते हैं। मतलब भाई जो बंदे रोड के पापा से हेट करते हैं, उसको किडनैप करने की सोचते हैं। तो भाई एक रात क्या होता है, रोड के पापा जो है देर रात तक जो है आइसक्रीम को बेचते हैं, और आइसक्रीम को बेचने के बाद भाई वो देर रात से जो है अपनी दुकान से घर के लिए निकल रहे हैं। तो भाई रात में जो है वो जो है बंदे उसके पापा को किडनैप कर लेते हैं, यानी रोड के पापा को जो है किडनैप कर लिया जाता है रास्ते में से ही रात में। तो भाई बाद में जो है वो बंदे रोड के पापा को किडनैप करके एक सुनसान इलाके में ले जाते हैं, और उससे वहाँ पर पूछने की कोशिश करते हैं कि तू अपने आइसक्रीम की रेसिपी बता, जो तेरी आइसक्रीम इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है उसको लोग खरीदते हैं। तो लेकिन भाई जो रोड के पापा होते हैं वो कुछ भी नहीं बताते हैं। तो भाई वो बंदे जो है काफ़ी ज़्यादा फोर्स करते हैं रोड के पापा को बताने के लिए कि बता क्या रेसिपी है, लेकिन भाई जो रोड के पापा होते हैं वो उनको कुछ भी बताकर नहीं देते हैं। तो भाई वो बंदे जो है रोड के पापा को काफ़ी टाइम तक जो है फोर्स करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं रेसिपी पूछने के लिए, लेकिन भाई जो रोड के पापा होते हैं वो कुछ भी बताकर नहीं देते हैं। और ऐसे ही जो है भाई 2-3 घंटे हो जाते हैं उसको फोर्स करते हुए, लेकिन भाई वो कुछ भी जो है नहीं बताते हैं। तो भाई लास्ट में जो है वो थक हार के, जो वो 4-5 बंदे होते हैं वो थक हार के जो है एक फैसला लेते हैं। हाँ तो भाई वो फैसला क्या होता है, भाई वो फैसला ये होता है कि वो जो है रोड के पापा को मर्डर कर देंगे, उनका कत्ल कर देंगे, क्योंकि भाई जो रोड के पापा होंगे अगर वो मर जाएंगे तो उनकी आइसक्रीम की दुकान भी बंद हो जाएगी, और इसके वजह से जो है उसकी आइसक्रीम भी नहीं बिकेगी और हमारी दुकान जो है चलने लेंगी, ऐसा वो बंदे सोचते हैं 4-5 बंदे। तो भाई वो क्या करते हैं, ये सोच कर जो है वो मर्डर कर देते हैं, यानी जो रोड के पापा होते हैं वो उनका मर्डर कर देते हैं उसी रात। तो भाई जब इस चीज़ का उस बंदे के वाइफ और बच्चे को पता चलता है, जो रोड और उसकी मम्मी होती है उसको पता चलता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं, दोनों काफ़ी ज़्यादा रोते हैं। तो भाई बाद में होता क्या है, 4-5 दिन तक जो है, मतलब रोड के पापा की दुकान जो होती है, स्टॉल जो होता है आइसक्रीम का, वो बंद रहता है। तो भाई इस चीज़ से वो बंदे, मतलब जिसने रोड के पापा का कत्ल किया हुआ होता है, तो वो बंदे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं उसकी दुकान को बंद देखते हुए। तो भाई ऐसे ही जो है 4-5 दिन तक जो है रोड के पापा की दुकान बंद रहती है, लेकिन भाई 4-5 दिन बाद जो है रोड जो है अपने पापा की दुकान पर बैठने लगता है, और उसको ऑलरेडी जो है रेसिपी का पता होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो अपने पापा के काम में हाथ बटाता था आइसक्रीम के काम में। तो भाई उसको सब पता था कि कैसे क्या होता है, कैसे बनती है और कैसे जो है दुकान चलती है, तो भाई इसको सब पता था आइसक्रीम के बारे में। तो भाई रोड जो है अब अपने पापा की दुकान में बैठ जाता है, और वो जो है अपने पापा की दुकान को चलाने लगता है। तो भाई इस चीज़ को देख के, जब 4-5 बंदे होते हैं जिसने रोड के पापा का कत्ल किया हुआ होता है, तो भाई वो
परेशान हो जाते हैं, वो फिर से जो है उनकी दुकानें कम चलने लगती हैं। तो भाई अब चार पांच बंदे क्या सोचते हैं कि वो जो है रोड को भी कत्ल कर देंगे, जिससे इनकी दुकान पूरी तरीके से ठप हो जाएगी। लेकिन भाई उन्हीं में से चार पांच बंदों में से एक बंदा बोलता है कि यार ये बच्चा है, इसको नहीं मारते हम, जो है इसको डरा धमका के जो है इसकी दुकान को बंद करा देते हैं, इसको भगा देते हैं। तो भाई एक दिन क्या होता है, वो चार पांच बंदे जो है रोड के पास जाते हैं और उसको डराने के लिए जो है काफी जो है गलत गलत बातें उससे बोलते हैं। तो भाई वो बंदे जो है रोड से बोलते हैं कि तू जो आइसक्रीम बेच रहा है, जो तू ये दुकान चला रहा है, इसको मत चला, क्योंकि तेरी आइसक्रीम सही नहीं होती थी, मतलब जो तेरे पापा आइसक्रीम बेचते थे वो लोगों को पसंद नहीं आती थी, जिससे जो है लोगों ने जो है तेरे पापा को मार दिया, मतलब शहर के सारे लोगों ने मिलकर जो है तेरे पापा का मर्डर कर दिया, उनको मार दिया। तो भाई ऐसी ऐसी बातें जो है वो रोड से बोल रहे थे। हाँ तो भाई वो रोड से बोलते हैं कि तू भी जो है याली दुकान को बंद कर दे, वरना जैसे तेरे पापा को शहर के सारे लोगों ने मिलकर मारा है वैसे तेरे को भी मार देंगे। तो भाई ये बात को जो है रोड सच मानने लगता है और ये बात जो है रोड के दिमाग में बैठ जाती है और वो इस बात को जो है सच मानने लगता है, क्योंकि उसकी जो है अभी बच्चे वाली मेंटेलिटी होती है। तो भाई अब जो है वो बदला लेना चाहता है, उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है शहर के लोगों के लिए। तो भाई अब जो है वो बदला लेना चाहता है शहर के लोगों से, वो बताना चाहता है कि कैसा लगता है कि जब एक छोटा सा बच्चा अपने बाप से मतलब अलग होता है तो कैसा लगता है। तो भाई रोड जो है इस बात को सच मानने लगता है कि सारे शहर के लोगों ने मिलकर ही जो है उसके पापा को मारा है, उसका मर्डर किया है। हाँ तो भाई अब जो है रोड शहर के लोगों से बदला लेना चाहता है, वो एहसास दिलाना चाहता है उन्हें कि एक बाप और बेटे जब अलग होते हैं, मतलब एक छोटा सा बेटा अपने बाप से अलग होता है तो कैसा फील होता है, कैसा लगता है। तो भाई ये सब चीज़ें जो है वो उन शहर के बंदों को दिखाना चाहता था। हाँ तो भाई अब वो सोचने लगा कि कैसे जो है मैं शहर के बंदों को जो है इस तरह से एहसास दिलाऊं कि वो जो है अपने बच्चों से अलग हो जाए। तो भाई वो सोचता है कि अब जो है मैं बच्चों को किडनैप करूंगा और उन्हें जो है एक कमरे में जाकर बंद कर दूंगा, जिससे जो है वो पूरी तरीके से अलग हो जाएंगे। लेकिन भाई ये सब चीज़ें जो है गलत थी। तो भाई रोड जो है इन सब चीज़ों को जो है गलत भी मानता था, लेकिन भाई वो जो है एहसास भी दिलाना चाहता था। लेकिन भाई रोड जो है ये सारी चीज़ें जो है अपनी माँ के सामने नहीं कर सकता था, अपनी माँ के साथ रहकर नहीं कर सकता था, और ना ही उसकी माँ ये सारी चीज़ें उसको करने के लिए बोलती और ना ही करने देती। तो भाई वो क्या करता है, रोड जो है एक दिन जो है अपने घर से भाग जाता है, चुपके चुपके से जो है उस घर से निकल जाता है। उसके पास कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं होते हैं, थोड़े बहुत पैसे जो है उसकी जेब में पड़े हुए होते हैं और वो भाग जाता है। हाँ तो भाई भागने के बाद जो है रोड की माँ रोड को ढूंढती है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन रोड नहीं मिल पाता है। तो भाई अब जो है रोड घर से निकल चुका है, वो अलग जगह पर जो है अब आ चुका है, लेकिन भाई अब जो है रोड के पास पैसे नहीं है। तो भाई अब जो है रोड एक प्लानिंग सोचता है। तो भाई वो प्लानिंग क्या होती है शहर के लोगों से बदला लेने के लिए, कि भाई वो जो है अब आइसक्रीम की एक बैन खरीदेगा और जिससे जो है वो जगह जगह पर जो है आइसक्रीम को बेचेगा और वो जो है बच्चों को किडनैप कर लेगा उसी के बहाने। लेकिन भाई अभी उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो जो है अभी अपनी एक आइसक्रीम की जो है पूरी बैन खरीद ले। तो भाई अब जो है उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। तो भाई अब जो है वो धीरे धीरे काम करने लगता है, पैसा कमाने लगता है। तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ऐसे ही गुजर जाता है। अब रोड बड़ा हो चुका है और अब जो है उसके पास इतने पैसे हो चुके हैं कि वो जो है आइसक्रीम की एक बैन खरीद सके। तो भाई अब जो है वो क्या करता है, वो एक जो है आइसक्रीम की बैन खरीद लेता है और आइसक्रीम बनाना स्टार्ट कर देता है, जस्ट अपने पापा की रेसिपी की तरह जो है वो आइसक्रीम बनाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी जो है उसको अपने पापा की रेसिपी पता होती है आइसक्रीम की। तो भाई वो वैसे ही जो है आइसक्रीम को बनाने लगता है और शहर के जगह जगह पर जो है आइसक्रीम को बेचने लगता है। हाँ तो भाई शुरू शुरू में रोड जो है भरोसा बनाने के लिए लोगों को जो है ऐसे ही आइसक्रीम बेचता है। हाँ तो भाई लोगों को जो है आइसक्रीम काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, जो शहर के बच्चे होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा आइसक्रीम पसंद आती है रोड की, और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो जाता है, मतलब उसकी आइसक्रीम जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाती है रोड की। तो अब जो है सारे बच्चे जो है रोड से ही आइसक्रीम खरीदने के लिए आते हैं, वो जगह जगह पर जाता है आइसक्रीम बेचने के लिए, मतलब अपनी बहन से, और वो जो है बच्चों को जो है आइसक्रीम बेचता है। तो भाई अब जो है वो क्या करता है, अब जो है वो बच्चों को किडनैप करने स्टार्ट कर देता है, मतलब वो जगह जगह पर जाता है बच्चों को किडनैप करने लगता है। तो भाई उसने जो है इसी बीच जो है एक मशीन बनाई हुई थी, जिसमें से जो है ठंडी गैस निकलती थी, जिससे जो है बच्चा जो है वहीं जम जाता था, मतलब वो गैस को निकालता था और जिससे जो है बच्चा जम जाता था। तो भाई वो मशीन उसने इसलिए बनाई थी ताकि जब वो बच्चों को किडनैप करे तो वो जो है बच्चे जो है शोर ना मचाए, इसलिए जो है वो बच्चों को हाथों हाथ जमा दे और बच्चों को जो है वो पकड़ के ले जाए। तो इसलिए जो है वो मशीन उसने बनाई थी, और वो मशीन जो है उसने अपने मुखौटे में फिट कर ली थी, यानी उसने एक मुखौटा भी बनाया था आइसक्रीम वाला, जिससे जो है लोग उसकी पहचान ना कर सकें। तो इसलिए जो है उसने एक मुखौटा भी बनाया था, और शुरू से जो है वो उसी मुखौटे को पहन के जो है आइसक्रीम को बेचता था, जिससे जो है लोग उसकी पहचान ना कर सकें। तो भाई अब जो है वो आइसक्रीम बेचने लगा, उसकी काफ़ी ज़्यादा आइसक्रीम फेमस होने लगी। तो भाई अब जो है वो बच्चों को किडनैप करने लगा। तो भाई अब जो है वो धीरे धीरे बच्चों को किडनैप करते जा रहा था। तो भाई शहर के काफ़ी सारे बच्चे जो है अब किडनैप हो चुके थे, शहर में काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मच चुका था, और अब जो है रोड अपने प्लान में पूरी तरीके से सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा था। हाँ तो भाई सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है। तो भाई एक दिन होता क्या है, जब रोड अपनी बहन के आगे से एक बच्चे को जमा कर अपनी बहन में किडनैप कर रहा होता है, मतलब उसको किडनैप कर रहा होता है, अपनी बहन में डाल रहा होता है उसको जमा कर, तो भाई ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरा बच्चा अपने घर की विंडो में से देख रहा होता है। जी हाँ दोस्तों, ये सारे काम जो है वो मतलब रोड के अपनी दूसरी
की विंडो में से एक बच्चा देख रहा होता है, और बच्चा कोई और नहीं भाई, वो बच्चा जो है आप और हम होते हैं जो भी उस गेम को खेलते हैं। तो भाई अगर आपने गेम खेला होगा तो आपको पता होगा कि भाई रोड जो है शुरू शुरू में दिखाते हैं गेम में कि रोड जो है एक बच्चे को जमा कर अपनी बैन में जो है मतलब डाल लेता है। तो भाई हमको जो है विंडो कूद कर जो है मतलब उसकी बैन में छुपके से जाना होता है, और लास्ट में जो है हमको जो है उस बच्चे को बचाना होता है, और जैसे हम उस बच्चे को बचा लेंगे तो भाई हमारा गेम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ तो भाई जो रोड बंदा था वो दिल का बिल्कुल भी गलत नहीं था, कुछ लोगों ने जो है उसको गलत बना दिया था, कुछ झूठी झूठी बातें कहकर जो है उसको गलत बना दिया गया था रोड को। तो हाँ तो यार हमारी आइस क्रीम गेम की स्टोरी बस यहीं तक की। तो भाई यार आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करो, और स्टोरी को लेकर आपको कोई भी सवाल उठ रहा है, अगर आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है तो भाई आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, और आपको वीडियो कैसी लगी भाई मेरे को कमेंट में जरूर बताना, और यार लाइक कर दिया करो भाई वीडियो को, भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो, मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है आपके एक लाइक से। तो खैर यार हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक की, और हाँ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दो। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।